जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में, जिसमें कि सिविलियन पोस्टों के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, यानी कि बोले तो वेरियस पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो उनके रिगार्डिंग आज सारा डिस्कस करें इस वीडियो में, किन पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज और क्या हाइट रखा गया है, या फिर फिजिकल होगा या फिर फिजिकल नहीं होगा, तो सारा डिस्कस करें इस वीडियो में। तो मैं बता दूँ कि इसमें इस वैकेंसी में कोई फिजिकल होने वाला नहीं है, और तकरीबन बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है पोस्ट। तो आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जैसा कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की पल पल लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयमेंट टू आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट मेरिट कैंट से भर्ती आई हुई है, ये आउट हुई है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट 17 का है, थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को अपडेट देने के लिए आप लोगों के बीच में। तो आप लोग चैनल पे थोड़ा विजिट करते रहें तभी आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में ही वीडियो को लाइक कमेंट करना, जो समझ में नहीं आए तो मैं उसके लिए पर्सनली वीडियो बना दूँगा। तो इसमें बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है, तो ए टू जेड तक आप लोग को इस वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे किसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे देख सकते हो, अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग अप द फ्लोइंग डिफेंस सिविल ग्रुप सी नन मिनिस्टेरियल पोस्ट सेकेंड आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट मेरिट कैंट से वैकेंसी आउट की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले वैकेंसी निकल के आ रहा है कुक के बारे में, यहाँ पे देख सकते हो, कुक जनरल सर्विस ग्रुप सी नन इंडस्ट्रियल नन मिनिस्ट्रियल के तहत वैकेंसी आई हुई है, और इसमें आपको 3 वैकेंसी मिल रहा है आपको देखने के लिए। तो यहाँ पे एक ओबीसी के लिए, एक ईएसएम के लिए और एक यूआर के लिए है। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, यहाँ पे देख सकते हो, मैट्रिकुलेशन इक्वावलेंट मस्ट नॉलेज इन इंडियन कुकिंग प्रेफरेंसी इन ट्रेड। तो इसमें आपका जो एज है 18 से 25 ईयर्स होने वाला है। देखिए वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो मैं एक ए से जेड तक आपको वीडियो में बताएंगे कि सारा वैकेंसी में क्या क्या प्रोसीजर है। तो मैं अभी कुक के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट में कोई और वैकेंसी है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, 18 से 25 ईयर्स रखा गया, 5 अक्टूबर 2021 पे आपको एज रिलेक्सेशन यानी कैलकुलेट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट आप एम्प्लॉयमेंट हैं तो वो 40 ईयर्स तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी में आप लोगों को तो सैलरी देखने के लिए बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, 19,900 से लेके आपको जा करके 63,200 तक वैकेंसी यानी कि आपको सैलरी मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे 7th CPC के अंतर्गत। तो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें बार्बर की, तो बार्बर में आपको एक वैकेंसी देखने के लिए मिला। देखिए भाई ये वैकेंसी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करना छोड़ना मत, एक वैकेंसी आपके लिए मायने रखता है, कोई ऑफलाइन फिलअप करता नहीं, बट आप लोग ऑफलाइन है फॉर्म जरूर फिलअप करो। बार्बर के लिए देखिए, जनरल सेंट्रल सर्विस है और ग्रुप सी के नन इंडस्ट्रियल नन मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है। इनमें आपको 1 वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है जनरल वालों के लिए। तो आप लोग समझ रहे होंगे SC ST OBC वाले कि हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। देखिए हाँ भाई, आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको एज में छूट नहीं दिया जाएगा, जनरल वालों के लिए एज कैलकुलेट किया जाएगा, और आप जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हो, SC ST OBC जो भी हो। इसमें जो आपको मैट्रिकुलेशन होना अनिवार्य है, साथ में ही रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से प्रेफरेंसी बार्बर ट्रेड जॉब होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, डिजायरेबल दिया गया है, ठीक है, है अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एज की बात करें तो 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए मिलता है, तो 5 अक्टूबर 2021 में इसमें भी कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें देखिए सैलरी की बात करें तो इसमें थोड़ा सैलरी कम है, 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे EBR इक्विवेलेंट यानी कि बूट रिपेयर के बारे में, बूट रिपेयर के बारे में इसमें 2 वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है आपको। इसमें आपको जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर रहेगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं SC ST OBC वाले, ठीक है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए इसमें, और इसमें भी आपको अगर किसी तरह का नॉलेज है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल इसमें भी रखा गया है, और इसमें भी 18,000 से इसमें 56,900 सैलरी देखने के लिए मिल रहा है। तो फिर हम बात करते हैं आगे, हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, वाशरमैन के लिए आप लोग के लिए वैकेंसी अच्छी खासी देखने के लिए मिल रहा है, 3 वैकेंसी है आपके लिए, एक जनरल के लिए है और एक SC के लिए और EWS के लिए वैकेंसी है। इनमें मैट्रिकुलेशन पास रखा गया है सिंपल, और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का तो ठीक है, अन्यथा फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे डिजायरेबल दिया गया, आप लोग खुद से रीड कर सकते हो। मस्ट बी ऑल ऑफ द मिलिट्री सिविलियन के बारे में बताया गया, इसमें 18 से 25 ईयर्स आपका छूट रखा यानी कि दिया गया है, और इसमें SC ST वाले को छूट मिलेंगे, इसमें भी 18,000 से 56,000 तक आपका सैलरी मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो
नंबर चार की इसमें टेलर की वैकेंसी दिया गया है। टेलर में आपको देखने के लिए एक वैकेंसी मिल रहा है वो जनरल वालों के लिए, और इसमें भी मैट्रिक पास होना आपका अनिवार्य है। 18 से 25 साल रखा गया है, जिसमें भी 18 से 56 हज़ार आपको सैलरी मिलेगा 7C से PC के लेवल। और इसकी फॉर्म वाली वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो किस तरह से अप्लाई करना है इस फॉर्म को, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता पूछें कि आपको इसकी अप्लाई करने का वीडियो चाहिए। तो मैं इसके लिए प्रॉपर यहाँ से फॉर्म भी दे रखा है किस तरह अप्लाई करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में अप्लाई करके फॉर्म A to Z डिस्कस करके बता देंगे किस तरह फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ सेंड करना है, कैसे क्या करना है, सारा बताएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो कि मुझे एक वीडियो चाहिए सर, आप अप्लाई करके किस तरह अप्लाई करता है। तो इसी तरह अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंडों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले इस वैकेंसी का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।